नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम सुमित्रा नंदन पंत कृत प्रथम रश्मि कविता की व्याख्याएं कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास सुनने थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवने में, तमने था मंडप ताना, खूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में बात कर रहे थे कि सुमित्रा नंदन पंत को बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि बाल बिहंगनी को, उस छोटी सी चिड़िया को, प्रथम रश्मि का आना कैसे पता चला, किस पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण उदित हो गई है। तो वही जिज्ञासा चल रही है कि जिस समय रात्रि का मनोरम वातावरण है, सारी पृथ्वी मानो सो रही है, स्वयं वह भी सोई हुई थी और सपने देख रही थी, पंखों में छुपी हुई सुखपूर्वक सो रही थी, तो ऐसे सोते सोते ही अचानक उसने कैसे ये आभास किया, उसे कैसे अनुभव हुआ कि सूर्य की पहली किरण इस पृथ्वी पर आ गई है। तो उसी रात्रि का वातावरण जो समय होता है, जिस समय की सूर्य की पहली किरण आती है, उसी वातावरण का चित्रण सुमित्रा नंदन पंत करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे वातावरण में हे बाल विहंगनी, हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया पक्षी, तुझे सूर्य की पहली किरण का आना कैसे पता चला। तो कैसा वातावरण उस समय हो रहा था जिस समय कि पक्षी को, उस चिड़िया को पता चल गया कि सूर्य की प्रथम किरण उदित हो गई है। वो कह रहे हैं पंत जी, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास सुनने थे तरु के पात, कि उस समय तारों के जो दीपक थे वो स्नेह से शून्य हो रहे थे, स्नेह से हीन थे। स्नेह प्रेम को तो कहते ही है, साथ में स्नेह तेल को भी कहते हैं, कि जैसे दीपक का तेल कम हो जाता है तो कम होने पर थोड़ी उसकी रोशनी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, वैसे ही इस समय तारे भी थोड़े मंद उनकी रोशनी हो गई थी। प्रातःकाल होने वाला था, रात्रि में तारे तेज टिमटिमाते हुए लगते हैं, उनकी रोशनी तेज लगती है, लेकिन सूर्य की जब पहली किरण पड़ी, सांझ का जो उस समय रात का जो वातावरण था, उस समय तारे थोड़े से स्नेहहीन हो गए थे, उनमें थोड़ा सा तेल जैसे दीपक में कम हो जाता है, वैसे उनकी रोशनी थोड़ी कम हो गई थी। श्वास शून्य थे तरु के पात, और जो वृक्षों के पत्ते थे वो भी मानो श्वास से शून्य थे, जैसे श्वास शून्य होने पर, श्वास की गति कम होने पर, या शून्य की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ जैसे श्वास शून्य हो जाती है, श्वास का, सांसों का आना जाना जैसे पता नहीं चलता है, उसकी आवाज़ नहीं होती है, तो जो तरु के वृक्षों के जो पत्ते थे उस समय मानो वो भी निर्जीव जैसे हो गए थे, अर्थात उनका हिलना डुलना भी बंद ही था, श्वास शून्य ही हो रहा था, निर्जीव जैसे जिस समय वृक्षों के पत्ते हो रहे थे। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, कि जिस समय इस पूरी पृथ्वी पर स्वप्न विचरण कर रहे थे, अर्थात सारी प्रकृति में जितने भी मानव थे, पशु थे, प्राणी थे, वो सब सो रहे थे, सपनों में खोए हुए थे, सपनों में वो विचरण कर रहे थे, स्वप्न आ रहे थे। तमने था मंडप ताना, और अंधकार ने चारों ओर अपना मंडप तान रखा था, अर्थात कह सकते हैं कि रात्रि जो है अपने पूरे चरम पर थी, जिसमें कि तारों रूपी दीपक मंदे पड़ गए थे, वृक्षों के पत्ते श्वास शून्य हो रहे थे, यानी वो भी नहीं हिल रहे थे, इस पृथ्वी पर सब मानव मात्र, पूरे प्राणी सपनों में विचरण कर रहे थे, और चारों ओर अंधकार ने अपना मंडप तान रखा था। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, कि ऐसे में जब ऐसा वातावरण था रात्रि का कि चारों नीरवता थी, निस्तब्धता थी, अंधकार व्याप्त था, सब मधुर स्वप्नों में खोए हुए थे,
ऐसे समय पर हे तरुवासिनी, हे वृक्ष पर निवास करने वाली पक्षिनी चिड़िया, तू एक अचानक ही कूक उठी। तो गा तो स्वागत का गाना कि कैसे तू उस प्रथम रश्मि का स्वागत करने के लिए तू एकदम से गा उठी, कि तू एकदम से कूक करके सूर्य की पहली रश्मि का स्वागत करने के लिए कूक उठी, तूने उसका गाना गाते हुए पहली रश्मि का स्वागत किया। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, कि हे अंतर्यामिनी, अंदर की बात जानने वाली, हे छोटी सी चिड़िया बाल बिहंगनी, तुझे उस प्रथम रश्मि का उदित होना किसने बतलाया, कि वो प्रथम रश्मि सूर्य की पहली किरण इस पृथ्वी पर पड़ गई है, पृथ्वी पर आ गई है। हे छोटी चिड़िया, तुझे ये कैसे पता चला कि तू उनके उसके स्वागत में गाना गाने लगी, उसके स्वागत में तू एकदम से अचानक ही कूक उठी। तो ये मधुर गान गाते हुए स्वागत करना, हे अंतर्यामिनी, हे छोटी सी चिड़िया, तुझे उस प्रथम रश्मि का उदित होना कैसे पता चला, तू क्या सूर्य के अंतरतम की बात को जानती है कि अब वो आने वाला है, या तुझे उसके आने के बारे में किसी ने बताया है। तो हे तरुवासिनी, तरु पे निवास करने वाली छोटी सी चिड़िया, तुझे सूर्य की पहली किरण का इस पृथ्वी पर आने का कैसे पता चला। तो सुमित्रानंदन पंत को बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इस छोटी सी चिड़िया को उस प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना किसने दी, उसके स्वागत का गाना गाना उसको किसने सिखाया, कैसे उसे पता चला ऐसे रात्रि के नीरव वातावरण में कि अब प्रातःकाल होने वाला है, सूर्य की पहली किरण आ गई है। तो ये सारी जिज्ञासा सुमित्रानंदन पंत के हृदय में उत्पन्न होती है। तो बहुत ही सुंदर शब्दावली का इन्होंने प्रयोग करते हुए उस चिड़िया से प्रथम रश्मि के आगमन का रहस्य पूछते हैं। वो बहुत ही सुंदर शब्दावली, रूपक, उत्प्रेक्षा और आक्षेप अलंकारों का प्रयोग किया है, और तत्सम शब्दावली तो है ही, गेयता इसमें दिखाई हमको देती है, प्रकृति चित्रण में मानवीकरण दिखाई देता है। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशीचर, चला कुहूक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। ते कह रहे हैं, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, कि इस समय का जो प्राकृतिक वातावरण है, उस प्राकृतिक वातावरण की ही यहाँ पर वो कल्पना कर रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि के अंत में और प्रातःकाल से पूर्व जो प्राकृतिक वातावरण में जो परिवर्तन दिखाई देता है, कि एक तरफ तो चंद्रमा छिप रहा है और दूसरी ओर कमल खिलने लगते हैं, इसी सुंदर दृश्य को यहाँ पर पंत जी ने चित्रित किया है। चित्रित करते हुए पंत जी कहते हैं कि रात्रि के सघन अंधकार में छाया के समान काले शरीर वाले तथा छाया से रहित अनेक दुष्ट रात्रिचर, खल दुष्ट निशिचर रात्रि में विचरण करने वाले, चक्र रच रहे थे, वो इस सृष्टि से बाहर निकल करके कोई कुचक्र सा रचते हैं अंधेरे के अंदर, कि अंधेरे में वे सब कुचक्र रच रहे हैं, अपनी माया फैला रहे हैं, ऐसा लगता है मानो वो सर्वत्र जादू टोना कर रहे हों। चला कूक टोना माना, कि मानो इस अंधकार में कोई टोना माना सा अंधकार के अंदर ये भूत प्रेत निशीचर रात्रि में विचरण करने वाले कर रहे हों, तो वो अपना इंद्रजाल का प्रसार करते हुए इसे दिखाई देते हैं, कोई कुटुल चक्र मानो वो चला रहे हों। छिपा रही थी मुख शशि बाला,
निशि के श्रम से हो श्रीहीन। और ऐसे ही चंद्रमा रूपी जो बाला थी वो पूरी रात्रि में विचरण करने के कारण पूरी रात्रि की थकान से श्रीहीन होकर के सौंदर्यहीन सी होकर के मानो अब छुपना चाह रही हूँ, अपना मुंह छुपाना चाह रही हूँ। पूरी रात्रि में चंद्रमा निकला हुआ है, ऐसे में पूरी रात्रि में क्योंकि वो विश कार्य कर रही है, श्रम कर रही है, तो बड़ी सुंदर कल्पना कवि ने यहाँ की है कि प्रातःकाल होने से पहले चंद्रमा रूपी सुंदरी मानो अपना मुख अंधकार रूपी घूंघट में छुपा रही है। तो रात्र भर के परिश्रम के बाद में उसका मुख भी शोभाहीन हो गया है। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि रात्रि के अवसान होने पर चंद्रमा का जो बिंब है वो अब धूमिल हो गया है और वो भी अस्त होना चाह रहा है। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से जी दीवाना। और इसी प्रकार से जो अली, जो भंवरा कमल के क्रोड़ में, कमल की गोद में बंद था, आपको शायद पता होगा कि भंवरा कमल में जब प्रातःकाल कमल खिलता है सूर्य को देख करके, तब उसमें उसको उस पर बैठता है। और रात्रि में सूर्य के छिपने पर जब कमल की पत्तियां बंद हो जाती है तो वह भंवरा भी उस कमल की पत्तियों के बीच में ही बंद हो जाता है, कमल के अंदर ही बंद हो जाता है। तो कमल के क्रोड़ में बंदी था अली कि जिस समय सूर्य उदित नहीं हुआ है, अंधकार ही है, और उस अंधकार में भंवरा बंद ही था अभी कमल की गोद में, कोक शोक से दीवाना। और जो कोक, जो चकवा अभी अपने शोक से ही, अभी शोक में ही मग्न है, शोक में दीवाना ही हुआ हुआ है, अर्थात इन्हें अभी प्रातःकाल का एहसास नहीं हुआ है, प्रातःकाल की अनुभूति नहीं हुई है। अगर प्रातःकाल हो जाता तो ये अली जो है भंवरा वो कमल के पत्तियों से बाहर निकल जाता, कमल की गोद से बाहर निकल जाता। और जो कोक, जो चकवा शोक में, शोक से दीवाना हो रहा था, वह भी शोक से निकल कर के अपने प्रिय को प्राप्त कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी तक रात्रि का ही वातावरण है। इस रात्रि के वातावरण में तुम्हें कैसे पता चला हे पक्षिणी कि सूर्य की पहली किरण आ गई है, अब सूर्य उदित होने वाला है? तुम तो स्वयं भी सोई हुई थी, तो ऐसे सोते सोते ही तुमने इस चीज़ का कैसे अनुभव किया, जबकि और कोई चीज़ इस चीज़ का संकेत नहीं दे रही है कि प्रातःकाल की पहली किरण आ गई है और प्रातःकाल होने वाला है। हे पक्षी, हे अल्पायु की छोटी सी पक्षिनी चिड़िया, तुझे इस चीज़ का कैसे आभास हुआ, कैसे अनुभव हुआ कि अब प्रातःकाल होने वाला है, सूर्य की पहली किरण इस पृथ्वी पर पड़ गई है? आज इस व्याख्यान को हम यहीं विराम देते हैं, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।